दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में अफेयर, शादी और तलाक होना कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई केस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां शूटिंग के दौरान दो कलाकारों को एक दूसरे से प्यार होता है, फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। ये लोग घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लव मैरिज कामयाब हो पाती है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी के कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन बाद में पछतावा ही झेलना पड़ा। आइए जानते हैं। नंबर 5, दीपिका कक्कड़। दीपिका ने साल 2011 में टीवी सीरियल ससुराल सिमर का से अपने करियर की शुरुआत की। इस सीरियल के दौरान दीपिका ने अपने बॉयफ्रेंड राणा सैमसंग से लव मैरिज की, लेकिन दो साल बाद ही 2015 में आपसी मतभेद के चलते तलाक की नौबत आ गई। उसके तीन साल बाद 2018 में दीपिका ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम से निकाह कर लिया। नंबर 4, रश्मि देसाई। रश्मि देसाई टीवी के मशहूर एक्ट्रेस में से एक है। इन्हें कलर्स टीवी के सुपरहिट शो उत्तरन से छोटे पर्दे में जाना जाता है। इस शो में इनके किरदार का नाम तपस्या था, जो आज भी पॉपुलर है। रश्मि ने अपने को एक्टर नंदीश सिंह से साल 2012 में शादी की। इन दोनों ने शादी सीरियल के दौरान ही कर ली, लेकिन चार साल बाद 2016 में आपसी मतभेद के चलते तलाक हो गया। फिलहाल ये दोनों तलाकशुदा जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 3, रूबीना दिलाई। रूबीना छोटे पर्दे पर हिट अभिनेत्रियों में एक मानी जाती है। इन्होंने सीरियल छोटी बहू से अपने करियर की शुरुआत की। इसी दौरान इन्होंने अपने को एक्टर अविनाश सचदेव को दिल दे दिया। कहा जाता है कि घर वालों के लाख मना करने के बावजूद इन्होंने इनसे शादी की, लेकिन थोड़े दिन बाद ये रिश्ता टूट गया। अविनाश ने शर्मली देसाई संग शादी रचा ली। कुछ साल बाद अविनाश ने शर्मली को भी तलाक दे दिया। वहीं बीते साल रूबीना ने एक्टर अभिनय शुक्ला से शादी कर ली। कमाल है। नंबर 2, डिम्पी गांगुली। मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस फेम अभिनेत्री डिम्पी गांगुली ने भी लव मैरिज की। डिम्पी की मुलाकात राहुल महाजन से इनके स्वयंवर के दौरान हुई, जहां डिम्पी ने इनसे शादी की, लेकिन लव मैरिज महज 5 साल ही चली। उसके बाद तलाक हो गया और 2015 में डिम्पी ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। नंबर 1, जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट टीवी की मोस्ट ग्लैमरस अभिनेत्रियों में एक है। जेनिफर ने प्यार करके शादी तो की, लेकिन कुछ सालों बाद ये खूब पछताई। दरअसल 2010 में ये दिल मिल गए शो के दौरान एक्टर करण सिंह ग्रोवर से प्यार कर बैठी। दोनों ने न देर करते हुए शादी भी कर ली, लेकिन शादी 2 साल ही टिकी। 2014 में दोनों का तलाक हो गया। 2016 में करण ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली, और आज जेनिफर विंगेट अकेली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस अभिनेत्री ने अपने पति से तलाक लेकर सबसे अच्छा फैसला किया? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दीजिए ना, और साथ ही टीवी से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए।